दिल छूने वाली कहानियां कहने में माहिर रितेश बत्रा की लंच बॉक्स ने लोगों के दिलों को इतनी अच्छी तरह से छुआ कि फिल्म ने चारों तरफ अप्रिसिएशन और सक्सेस के झंडे गाड़ दिए। और आज मेरे साथ रितेश ने अपनी आने वाली फिल्म फोटोग्राफ के बारे में बात करने के लिए स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। या रितेश, सबसे पहले लंच बॉक्स जब आपने आइडिया कंसीव किया था तो आपको पता था कि ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस होने वाली है, या कहीं अंदाजा था कि ये लोगों के दिलों को उस तरह से छुएगी जिस तरह से इसने एक्चुअली में छुआ? नहीं मैम, वो तो आइडिया तो पहले होता नहीं। फिल्में तो हम पहले अपने जो फिल्म खुद को देखनी होती है वही फिल्म बनानी चाहिए, और दूसरों को पसंद आएगी कि नहीं वो तो बात नहीं पता लगता है। यही फोटोग्राफ एक्चुअली मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि लोग आजकल पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, तो 15 मार्च को रिलीज हो रही है थिएटरों में। तो फोटोग्राफ के साथ भी सेम है, मैं 5 साल बाद आया हूँ वापस बम्बई फिल्म बनाने, और इसमें नवाज़ और सानिया है, और एक और बार कोशिश की है, मगर पता नहीं कैसे लोगों को कैसे लगती है। right. वो पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। या चाहे आपके कैरेक्टर्स देखें, चाहे आई हैवंट यू नो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वॉच योर शॉर्ट फिल्म्स, आई वाज रीडिंग अबाउट यू एंड केम टू नो दैट यू मेड लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, एंड लेट मी नो इफ दे आर अवेलेबल ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म वी कैन वॉच, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं, चाहे लंच बॉक्स के कैरेक्टर थे, नवाज हो उसमें भी और इरफान, या फिर निमृत और इसमें भी जो कैरेक्टर हैं, एक उसमें खास बात यह है कि वो कैरेक्टर्स जो है वो बहुत अर्दी कैरेक्टर्स हैं। मीन यू गेट टू सी देम यू नो इन डे टू डे लाइफ्स, दे आर वेरी कनेक्टेड, व्हेन यू सी देम ऑन स्क्रीन यू कैन कनेक्ट विद देम। ओह थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक फिल्म मेकर की एक सोची समझी कहीं एक आइडिया होता है कि हम ऐसे ही कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द अपनी कहानी को रखें जिनसे लोग कनेक्ट कर पाए? आई मीन हैव यू थॉट थिंग ऑन दीज लाइंस एवर? मुझे एक्चुअली लिखना बहुत पसंद है, और जब मैं फोटोग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा था तब मेरे लिए यह जरिया था कि मैं फिर से अपनी अपनी लिखाई अपनी राइटिंग की तरफ फिर से आऊं, क्योंकि उसके बाद मैंने 2 फिल्में बनाई हैं जो मैंने नहीं लिखी थी, और बहुत सीखा मैंने वो फिल्में बनाकर। मगर सबसे बड़ी बात मैंने सीखी कि मुझे अपनी राइटिंग, मैं बहुत मिस कर रहा था कि अपनी लिखाई पे फिल्म बनाने की। मगर उन फिल्मों में भी जो कैरेक्टर्स थे उन्हें काफ़ी लॉन्गिंग थी, दैट समथिंग दैट आई एम अट्रैक्टेड टू, यू नो व्हेन पीपल लॉन्ग फॉर समथिंग दैट दे डोंट हैव और दे आर मिसिंग इनसाइड देमसेल्व्स। बट टू योर क्वेश्चन, आदमी औरत वही कर सकता है जो वो कर सकता है, जो उसने देखा हो, या जो खुद के दिल को छूता है। आप उम्मीद कर सकते हैं किसी और के दिल को भी छुएगा। फिल्में बनाना या लिखना वो काम ही वही है कि अगर जो आप जानते हो, जो आपको जो छुआ है, आप उम्मीद कर सकते हो कि किसी और को भी छुएगा। और आगे तो भगवान वो कहाँ से इंस्पिरेशन हुई फोटोग्राफ की? मतलब ताज लैंड्स एंड के बाहर, सॉरी लैंड्स एंड बोल रही हूँ, ताज के बाहर या गेटवे के बाहर बहुत सारे फोटोग्राफर्स हमेशा यूं ही घूमते रहते हैं, हम लोग कितनी बार उनसे टकरा जाते हैं जब अगर वहाँ जाएं तो। लेकिन उसके आसपास एक कहानी और पर से लव स्टोरी दिखाई दे रही है, जितना ट्रेलर में मुझे समझ में आ रहा है। एक लव स्टोरी बुनने का ख्याल आज तक किसी को आया नहीं है, तो ये कहाँ से ख्याल, कहाँ से इंस्पिरेशन आया? वो लव स्टोरी है कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर इट्स डेफिनेटली अ स्टोरी अबाउट, जैसे हमारे दिल के कुछ हिस्से होते हैं जो हम नहीं जानते, किसी और को मिल के ही हम उन्हें जान सकते हैं। तो कहानी उसी के बारे में कि इन दो लोगों के अपने आप के बारे में कैसे जानते हैं इस एक दूसरे से मिलने के बाद। वैसे मेरी हिंदी रोज़ रोज़ थोड़ी बेटर होगी जैसे मैं यहाँ ज़्यादा समय बिताऊँगा। जब भी मैं वापस आता हूँ मेरे साथ यही होता है। It's been a while that you're there in States now. एक दो हफ्ते में मेरी हिंदी फिर बहुत बड़ी ठीक हो जाती है। शूटिंग के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। मगर मुझे पता नहीं किसी और ने पहले ये सोचा होगा या नहीं, मगर मुझे ये बम्बई के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि पुरानी चीज़ें नई चीज़ें सब एक साथ यहाँ हैं, और ऐसा ज़्यादा जगहों में होता नहीं है कि कुछ
जैसे आप गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे तो आपको दिखेगा सब सेल्फी स्टिक्स के साथ या फोन्स के साथ फोटोज खींच रहे हैं, और ये फोटोग्राफर्स भी वहाँ होंगे जो प्रिंट कर रहे हैं फोटोज। और पहले टाइम पे तो पहले खींचते थे और फिर तीन चार दिन बाद घर पे डिलीवर करते थे। तो ये सब बम्बई में एक साथ एग्जिस्ट होता है, जो नया है जो पुराना है, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है बम्बई के बारे में। तो जब भी मैं यहाँ फिल्म बनाता हूँ तो मेरा ध्यान उसी की तरफ जाता है कि जो नया है पुराना है सब एक साथ है यहाँ, और वो इस सिटी के बारे में बहुत ही यूनिक चीज है। हाँ, वही सिटी की मतलब बोलते हैं ना कि बॉम्बे की अपनी एक यूएसपी है, जैसा कि आपने कहा भी लंच बॉक्स में भी एक डिब्बे वालों की लाइफ के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर एक फोटोग्राफर, मतलब एक ऐसा तबका है बॉम्बे का जो बॉम्बे की यू नो पूरे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कहना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है मुंबई का, लेकिन उनके चारों तरफ कहानियां कोई बुनता नहीं है, जैसे कि आपने किया, लंच बॉक्स में भी किया और फोटोग्राफ में भी किया। सो व्हाट माय क्वेश्चंस वुड बी कि मुंबई को इस तरह से देखने का जो नजरिया है वो आपको लगता है कि कुछ अलग करना है उसकी वजह से अलग नजरिया है, कि आप एक ऐसी जगह पे जिस किसी की नजर नहीं जाती वहां से कहानी निकाल लाते हैं, या फिर कहानी ही ऐसी जो छू जाती है तो उसको एक मुंबई में प्लेस करना आसान हो जाता है? नहीं मैम, वो जो ये जो किरदार हैं जो नवाज और सानिया निभा रहे हैं वो सिर्फ बम्बई से ही हो सकते थे, कहीं और ये कहानी पॉसिबल नहीं होती। और तो कहानी कहीं और से किसी जगह में डालना बहुत मुश्किल है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कहानी वहीं से निकलती है जिस जगह की होती है, और बम्बई में कहानी लिखना मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं यहाँ बड़ा हुआ था, मगर मेरे लिए बम्बई वही है जो मैं छोड़ के गया था। जब मैं कितने साल हो गए आपको बॉम्बे छोड़े? मैं 18-19 साल का था 98-99 में जब मैं गया था यहाँ से, तो मेरे लिए बम्बई वहीं पर अटक गया है। जो कोई होगा 20-22 साल का कोई फिल्म मेकर होगा या होगी, वो आज का बम्बई जानते हैं, मैं तब का जानता हूँ। तो जो मेरे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें बहुत नॉस्टैल्जिया होता है पुरानी चीज़ों के लिए, पुराने गानों के लिए, या जैसी चीज़ें होती थी पहले उनके लिए। तो मैं यही मानता हूँ कि जो आपका नज़रिया होता है वही करना चाहिए जो आज का बम्बई है। फिल्म वैसे फोटोग्राफ आज के टाइम पर सेट है, मगर जो कैरेक्टर्स हैं मुझे लगता है वो किसी और टाइम में अटके हुए हैं, जैसे शायद मैं अटका हुआ हूँ। मगर मेरा यही मानना है कि वही करना चाहिए जो आप समझते हो, जो मैं कह रहा था, जो आपके दिल को छू जाए, जिससे आपका लगाव हो। तो मैं वैसा कभी नहीं करूँगा कि मैं कोई बड़ी कार चेस हो रही है या मेरे से बेहतर कोई और वो कर सकता है, या कोई ऐसी स्टोरी हो जो बम्बई में नहीं हो, दिल्ली में हो। दिल्ली को मैं नहीं समझता इतना, दिल्ली का खाना मुझे बहुत पसंद है। तो अगर कुछ खाने के बारे में हो दिल्ली में तो मैं वो कर सकता हूँ। मगर जैसे ये पिक्चर हमने बम्बई में शूट की और हर जगह लोकेशन पे शूट किया क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी था, बेरामपाड़ा में, चर्च गेट में, गेटवे ऑफ इंडिया पे, जुहू बीच पे, बांद्रा की सड़कों पे, गोरेगांव में। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि ये, क्योंकि आप ये स्टूडियो में नहीं बना सकते, जो जितना भी मुश्किल हो बम्बई की सड़कों में शूट करना हमारे लिए ज़रूरी था ये फिल्म। तो इसको आप क्या आइसिंग ऑन द केक बोलेंगे कि आप जिन कैरेक्टर्स के साथ और जिस जगह के साथ रिलेट करते हैं वैसी लिखी कहानियाँ, आपकी लिखी कहानियाँ या बनाई हुई फिल्म, लोग भी उनसे रिलेट कर पा रहे हैं थ्रू आउट? और नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ लोगों को अच्छी भी लग सकती है, कुछ लोगों को खराब भी लग सकती है। तो मगर नहीं, देखिए वो वैलिडेशन तो होता है अगर लोगों को पसंद आए। तो अगर लोग, पिक्चर तो निकली नहीं है, 15 मार्च को निकल रही है, लंच बॉक्स आल्सो, बिकॉज़ बहुत छोटी फिल्म थी और जिस तरह की एक्लेड उसको मिली और जिस तरह का सक्सेस उसको मिला, इतनी छोटी और धीरे 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 जिस तरह से फिल्म ग्रो हुई और धीरे अब आज वो इवन जब घर पे भी आती है, मतलब कहीं पर भी, इवन दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, चैनल पे आएगी, तो देखने के लिए अच्छा लगता है। आप उस फिल्म को, इट हैज अ रिपीट वैल्यू, यू कैन वॉच द फिल्म ऑल ओवर अगेन। यू सी, दैट आई बिलीव इन, दैट आई बिलीव दैट, देखिए फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, मुझे लगता है कि खाली 4-5 साल बाद पता लगता है, कि जब फिल्म निकलती है तो इतना शोर होता है उसके बारे में, रिव्यूज होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं,
और ऑब्वियसली पब्लिसिटी होती है, ट्रेलर होते हैं, सब कुछ जो शोर होता है फिल्म का, जो जो जायज़ है क्योंकि फिल्म निकालनी है। और आजकल के ज़माने में जब इतनी सारी चीज़ें हैं करने को, देखने को, तो हर एक फिल्म को थोड़ा शोर मचाना पड़ता है और लोगों को थोड़ा शोर मचाना पड़ता है। मगर अगर अगर आज से 4-5 साल बाद भी हम किसी फिल्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अच्छी फिल्म है। तो मेरी यही आशा होती है कि, और स्पेशली आजकल यू नो जब ये फिल्म की जो लॉन्ग टेल कहते हैं कि फिल्म अमेजोन प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे या हुलू पे लोग बार बार जाके देख सकते हैं, तो पहले नहीं था ये 5-6 साल पहले। तो फिल्म की काफ़ी एक लॉन्ग टेल हो गई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इसकी रिपीट वो वैल्यू हो उसका। एक्चुअली प्राइस मेरे ख्याल से होगा एक आने वाले सालों में या महीनों में कि जिन फिल्मों को हम बार बार देख सकते हैं, आज से 5 साल बाद भी इंजॉय कर सकते हैं, जो एक तरह से टाइमलेस हो जाए, वही अच्छी फिल्में कहलाई जाएंगी। तो मेरा यही मानना है कि अब आज से 5-6 साल बाद ही पता लगेगा कि फिल्म अच्छी है कि खराब है। मगर उम्मीद यही है कि जो अगर आप कुछ दिल से बनाएं या आप लोगों को बताएं, या जैसे इन कैरेक्टर्स में फोटोग्राफी मुझे बहुत इंटरेस्ट था। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ समवॉट रिच गर्ल एंड पुअर गाय, और ये लोग दो लोग कभी एक दूसरे से मिलते नहीं असली ज़िंदगी में, और मिलते भी तो इतना वक्त एक दूसरे के साथ नहीं गुजारते। तो मेरी बहुत क्यूरियोसिटी की कि ये दो लोग हैं कौन, मतलब अंदर से ये लोग कौन हैं जो एक दूसरे के साथ एक पूरी फिल्म का लेंथ 2 घंटे का होता है या साथ में स्पेंड करे और हमें लगे कि ये सचमुच हो रहा है। तो मेरे लिए वही चैलेंज था। तो होपफुली वी फाउंड दोस कैरेक्टर्स हु कैन स्पेंड ऑल दिस टाइम टुगेदर एंड यू कैन बिलीव इट, यू नो, क्योंकि फिल्म में खाली दो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बस वही हो रहा है कि दो लोग एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा फिल्म। दैट नवाज एंड सानिया कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। नवाज ऑब्वियसली इज अ टैलेंटेड एक्टर हु इज वेरी मच इन डिमांड टुडे एंड सानिया इज आल्सो डूइंग गुड वर्क अराउंड। सो आपको कैसे लगा कि ये आपके जो लिखे हुए कैरेक्टर्स थे उनमें आप नवाज की और सानिया की शक्ल देख पाए? जब मैंने लिखना जब मैंने फिल्म का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा तब मैंने सोचा था कि नवाज को भेजना चाहिए, क्योंकि लंच बॉक्स इस टाइम उसी साथ में काम करके सबकी दोस्ती हो गई थी। और तो मैंने नवाज को ये फिल्म भेजी और आई थिंक नवाज इज प्लेइंग हिमसेल्फ इन दिस मूवी, बिकॉज़ यू नो ही हैज अ वेरी नाइस इनेट गुडनेस अबाउट हिम। इवन इन लंच बॉक्स ही इज प्लेइंग समबडी हु इज वेरी नाइस, and even in this movie I feel like he's playing himself. We don't get to see him like this on screen, but I really feel he's playing himself. So that was a really easy part to cast for me, and but you know it's not easy to do it. It's not easy to play yourself on screen. It's extremely difficult. And for Sanya's part, I had seen her in Dangal, and then I sent her the script and she liked it, and you know I was very lucky to find these actors, because you know she's very meticulous, she's very detailed, she can do a lot without words, and that's what we needed for this part. You know, we just needed, when I was starting to make the movie and think about it, I thought it'd be really interesting to find someone who I can just take away the words from, you know, because she doesn't have a voice in her own life, she doesn't have agency, and in a way she finds it through the story. So to take away those words was a very nice luxury for me to be able to do, and I needed the right actor to be able to do that. So I was very lucky to find them both. And there's also some other interesting parts in the movie that are not in the trailer. So Gitanjali Kulkarni hai. She's a wonderful actor. She plays Sanya's, the maid in Sanya's house, or also her friend in the movie. Jim Sharb has a part in the movie, and he's a really great actor. Vijay Raz has a very special role in the movie. But so you'll have to watch the movie to see all of them. Of course, yeah.